दृष्टि का अर्थ होता है देखना। मैं आपको देख रहा हूं, ये दृष्टि हो गई। दृष्टि का दूसरा अर्थ होता है समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी बिलीफ। बिलीफ को भी दृष्टि कहा जाता है। बिलीफ दो तरह की होती है, एक तो होती है राइट बिलीफ और दूसरी होती है रॉन्ग बिलीफ। हम अभी अवनति क्यों कर रहे हैं कि हमारी रॉन्ग बिलीफ है। रॉन्ग बिलीफ के कारण व्यक्ति धीरे धीरे अवनति की ओर जाता है, और जो व्यक्ति राइट बिलीफ को पकड़ लेता है, राइट ट्रैक को पकड़ लेता है, वो उन्नति करता है। मैं उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों बताना चाहता हूं कि यहां से हम दिल्ली जाना चाहते हैं तो, लेकिन हमने जो अगर ट्रेन बॉम्बे जाने वाली पकड़ ली तो भला हम दिल्ली कैसे पहुंचेंगे। यानी हमने रॉन्ग बिलीफ को प्राप्त किया, और हमने अगर दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ी, मंडोर एक्सप्रेस को पकड़ा है, तो हमारी राइट बिलीफ है, वो हमारा निश्चय नय है, और दूसरा है हमारी व्यवहार दृष्टि। तो भाई और बहनों, दृष्टि यानी बिलीफ दो तरह की है, एक तो होता है निश्चय दृष्टि, दूसरा होता है व्यवहार दृष्टि। व्यवहार का मतलब होता है आंख खोल करके जो जो हम हमारे सामने देखते हैं वो सारा व्यवहार का जगत है। वह जगत जो है वह बाहर का जगत है, उसको हम व्यवहार दृष्टि कहते हैं। और निश्चय दृष्टि है हमारे भीतर का जगत है। भीतर का जगत वह होता है जिसमें कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। एब्सोल्यूट वह व्यक्तिगत प्राइवेट जगत का होता है, उसके अंदर किसी तरह कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती है। तो हमें हम दोनों को चीज को समझना है। इसको हम रियल और रिलेटिव कहके भी समझ सकते हैं। जो हमारा निश्चय नए भी कहा जाता है, दृष्टि भी कहा जाता है, विजन भी कहा जाता है, बिलीफ भी कहा जाता है, इसके पर्यायवाची शब्द है। लेकिन निश्चय जो जुड़ा हुआ है वो रियलिटी से जुड़ा हुआ है, और व्यवहार जो जुड़ा हुआ है वो रिलेटिव है। व्यवहार भी सत्य है और निश्चित भी सत्य है, लेकिन जो रिलेटिव है वो टेम्परेरी है, और जो रियल है, जो निश्चय जगत है, वो परमानेंट है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ भाई और बहनों कि ये जो मेरा शरीर है ये रियल और रिलेटिव दोनों है। इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, जिसको जो पूजनीय है, जो ईश्वर है, जो देवता है, वह रियल है, वो निश्चय दृष्टि वाला है। और जो मेरा ये शरीर है, मेरा नाम सोहन राज तातेड़ है, तो ये रिलेटिव दृष्टि है, ये व्यवहार दृष्टि है। व्यवहार दृष्टि में मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का बॉस हूँ, और किसी का जो शिष्य हूँ, जो मेरा गुरु है उसका मैं शिष्य हूँ, और किसी का गुरु मैं भी हूँ जो मेरा शिष्य बंधु हूँ। ये सारा व्यवहार जगत है। तो व्यवहार जगत के अंदर बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, बहुत बड़ा वर्गीकरण है, और बहुत बड़ी विभेदताएं हैं। इसलिए व्यवहार जगत को पहले समझना होगा, क्योंकि जो निश्चय दृष्टि है वो रियल दृष्टि है, और वो रियल दृष्टि के अंदर सत्य है। रियलिटी को हम सत्य भी कह सकते हैं, वो भीतर के जगत के अंदर है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर आपने मनुष्य जीवन धारण किया है, और हमारे भारतीय शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ जो जीवन है वो मनुष्य का जीवन है, क्योंकि सृष्टि में ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को बनाया है, और मनुष्य ही मोक्ष का अधिकारी है। मोक्ष का मतलब होता है साल्वेशन, इमानसिपेशन, लिब्रेशन, सभी तरह के बंधनों से मुक्त होना है, वह हमारा मोक्ष कहलाता है। और मोक्ष की हम संक्षिप्त जो परिभाषा करें तो वह सब तनावों से मुक्त होना और सुख को प्राप्त करना, वह भी मोक्ष है, लेकिन टेम्परेरी है। जो हमारा रियलिटी का मोक्ष है, जो भीतर का मोक्ष है, वह है शाश्वत। वो ऐसा सुख है जिसको ब्लिस कहते हैं, कि उसके बाद में कोई तरह का दुख प्राप्त नहीं होता है। तो भाई और बहनों, हम इस रियल और रिलेटिव के सिद्धांत को, हम इस व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि दोनों को समझें, और दोनों का कॉम्बिनेशन रखें, दोनों के बीच में संतुलन रखें,
संतुलन करने से हमारा जीवन अच्छा होगा, लेकिन हमारी मान्यता, हमारी समझ बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो व्यवहार दृष्टि से बात करूं तो हमें सोचना चाहिए कि व्यवहार दृष्टि से मेरा नाम सोहन राज है और जगत के समस्त जीवों को व्यवहार दृष्टि से नामधारी, देहधारी, पैकिंग रूप में मानता हूं। चाहे कितनी सुंदर कन्या आ जाए, चाहे कितनी कुरूप जो है स्त्री आ जावे, वृद्ध माँ के रूप में आ जावे, सब एक पैकिंग रूप के अंदर है। उसको पैकिंग रूप से देखा जाए, उसको देहधारी रूप से देखा जाए, उसको नामधारी रूप से देखा जाए, क्योंकि जो रिलेटिव है वह नाशवान है, वह रियल है, वह शाश्वत है।